देखिए आपके सामने, देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, सब देख ली, पढ़ लीजिए। पढ़ दो क्या है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स प्रीवियस ईयर पेपर MBT 15 जुलाई 2021 शिफ्ट 3। सिर्फ 3 का ही प्रश्न है और इसका एक एक सॉल्यूशन हम आपके पास दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी बगल में लोड कर देंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। क्वेश्चन 1 है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ जो है पहला करेक्ट है, ये वी इक्वल टू ओमेगा आर, इसका आंसर है ये। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है, फिर हमें आप क्वेश्चन दे देंगे, व्हाट इज द वेट ऑफ गिवन बॉडी इन द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होता है, जी जीरो होता है, तो वेट भी जीरो हो जाएगा। ऑप्शन 3 में जीरो है तो ये आपका जीरो हो जाएगा, है ना। सेंटर पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेट एट सेंटर जो है जीरो हो जाएगा। तीसरा है, द प्रोसेस इन विच लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी वेव इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है मॉड्यूलेशन का, ये डिफिनेशन है, ये मॉड्यूलेशन होता है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था ये। 4 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर विच कलर ऑफ लाइट द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। तो देखिए यहाँ पर सी सी 1/μ लेमडा, देखिए यहाँ से आप आ सकते हैं प्रोपोर्शनल टू भी, इस तरह का है देखिए संबंध। तो कह रहा है मिनिमम किसके लिए होगा, क्रिटिकल एंगल का मिनिमम किसका होगा। देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या तरीका है, यहाँ पर वी आई बी जी वाई ओ आर, तो वेवलेंथ का हम लोग देख लें, जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा तो रेड का सबसे अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं वायलेट का जो है वेवलेंथ सबसे कम है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, वायलेट का ही कम होगा। तो ऑप्शन 3 है वायलेट, ये 3 नंबर ऑप्शन था ये 3 नंबर। और चौथा है 4 नंबर, ये 5 नंबर कराए कि बिलो फिगर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड डायरेक्शन इन ओल्ड डायरेक्शन करेंट निकालना। देखिए यहाँ पर फिगर जो दिया हुआ था इस तरह है, ये फिगर दिया हुआ है आपका इस तरह। देखिए यहाँ पर 4 एम्पियर था इधर, और इधर जा रहा था कितना, 2 एम्पियर, तो इधर जा रहा था 1 एम्पियर, तो इससे निकालना था ही। तो जस्ट लाइक ये क्या होगा, 3 भाग में बांट रहा है, जा रहा है, तो ये सम होगा ये लोग का, तो 4 2 6 7 एम्पियर इसका आंसर था, 3 नंबर ऑप्शन में था। 6 नंबर में है 2 charges 1μc and 5μc, 2 cm apart है ये, 2 cm apart दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज, तो ध्यान देना होगा आपकी, तो फोर्स जो बनता है दोनों का प्रोडक्ट बनता है, तो अलग होने की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर, तो 1:1 आंसर हो जाएगा इसका। सातवां है, बॉडी ऑफ मास 1 kg अंडरगोज ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 2 m/s to 3 m/s इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड टू इट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी। तो देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर, तो फोर्स यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, दैट मीन्स की फोर्स ही हुआ है ना, dp/dt फोर्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 3 - 2/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 0.5 न्यूटन हो जाएगा, ये आंसर था 3 नंबर आपका। लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ पूछ रहा है इसमें, ऑप्शन था 3 है एनर्जी, द 9 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, तो आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही था। दस नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो देखिए ऑप्शन था एंगल, सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल ऑफ देम। एंगल का तो यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं होगा, यही आंसर है। आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस विच है मैक्सिमम इलास्टिसिटी, तो आपको समझना होगा कि सॉलिड सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट होता है उसका, इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट भी उसी का होता है, इलास्टिसिटी भी वही होगा सॉलिड का हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्रेटेस्ट फोर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 3-4 नंबर में ये क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्रेटर फोर,
ग्रेटेस्ट फोर किसके लिए ग्रेटेस्ट होगा? तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जिसका लेमडा कम होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा, तो आप वायलेट को कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। वायलेट लाइट का जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्रेटेस्ट होता है। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ साइक्लोड इज क्या होता है? देखिए इसको हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का, तो n इक्वल टू होता है आपका 1/t और t इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर t इक्वल टू होता है 2π/ω, v इक्वल टू ओमेगा r होता है 2π v r हो जाएगा यहाँ पर, और आप जानते हैं कि r इक्वल टू mv/qv होता है, तो यहाँ से r बाई वी का मान रख दें हम लोग 2π r बाई वी यहाँ हो जाएगा m/qv हो जाएगा, और तो यहाँ से हम लोग आ सकते हैं ओमेगा 2πn 2π/T तो 2π, और यहाँ हो जाएगा 2πm और क्यू बी चला जाएगा ऊपर कैंसिल, तो ओमेगा कितना होगा qb/2m। ओमेगा का एम के साथ कैसा संबंध है ये, लेकिन इनवर्सली का है, पूछ ला द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, यही आंसर है। फिर 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, ए वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 27 इक्वल ड्रॉप, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर साइड ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे ये बड़ा सा ड्रॉप था और ये 27 पार्ट्स में टूटा है ये, तो अब जानते हैं कि 4/3 πr³ और ये हो जाएगा 27 4/3 πr³, तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 3 और इनटू r, ये देखिए हो गया। और आप एक्सेस प्रेशर जानते हैं कि डेल पी क्या हो जाएगा, 40 इसका r का कब 40/r और डेल पी स्मॉल r का 40/r, है ना। तो ये देखिए आपका आउटर में, तो बाहर आउटर में जो है तो वायुमंडलीय दाब होता है वो तो ज्यादा है, तो इनर से ही आपका हो जाएगा ये, एक्सेस प्रेशर को हम लोग डिफरेंस कर ले, तो इसमें रिलेशन तो हम लोग आ चुका है, तो डेल पी r बाय डेल पी आर कितना हो जाएगा, तो यहां से निकाल दीजिए आर बाई आर 1/3 हो जाएगा, यही आंसर है। तो पहला दूसरा ऑप्शन था 1/3 दैट ऑफ द पार्ट ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट, तो डेल पी आर बड़ा का 1/3 इंटू डेल पी छोटे वाले के साथ, देखिए छोटे वाला का जो है उससे 1/3 ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर डिस्पर्सन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उसके लिए जिम्मेवार होता है, और 17 है इफ अ लिक्विड वेट्स द ग्लास सरफेस, माने कौन जो है कि ग्लास को भिंगो देता है, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और ग्लास कैपिलरी विल बी, तो आप जानते हैं कि कनकेव होता है वो भिंगा देता है, जिसका कि 90 से कम होगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये आपका 17 नंबर। देखिए जो भिंगोता है ना उसमें ऐसा एंगल बनता है, ये थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, एक्यूट एंगल वाला, एक्यूट एंगल वाला भिंगा देगा। 18 इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर करेंट कैरिंग वायर इज डबल देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बिकम्स, तब जानते हैं बी इक्वल टू क्या होगा μ0 I/ इसको हम लोग तोड़ ले ऐसे करके μ0/4πIα और बाई आर, दो से दो कट गया, तो बी इक्वल टू क्या होगा μ0 I/2r, तो यहाँ से ले लेंगे b1/b2 r2/r1, उल्टा का संबंध है, क्या कहा गया है रेडियस से डबल,
ये नीचे में आर है, ये टू आर हो गया, तो बी टू बराबर क्या होगा, बी वन बाई टू हो जाएगा। तो ये आपका हाफ द आंसर है। अब 19 और क्वेश्चन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड आर इज, यंग्स मॉडुलस का साइन दिया हुआ है, द रॉड इज कट इन टू टू पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ एल बाई टू, द यंग्स मॉडुलस ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो सेम रहता है उसमें, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये काटने से चेंज नहीं होगा। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन टू एन पार्ट्स, तो देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि आर को एन भाग में कट किया गया है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, अगर एन भाग में कट किएंगे तो भी आर बाई एन होगा एक पार्ट का, और फिर पैरेलल में जोड़ेंगे तो आर बाई एन, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में बाई एन, जितना इस तरह है पार्ट द कनेक्टेड इनटू पैरेलल, क्योंकि एन रो बन जाएगा उसका, तो आर बाई एन स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये था आपका 4 नंबर ऑप्शन में है दिया हुआ 21 नंबर क्वेश्चन, 21। द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ फॉर द कॉर्नर साइकिल 200, इफ द एफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन इज 50%, देन द सोर्स टेम्परेचर ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर। ईटा होता है 1 - T2/T1 × 100, और ये आपका दिया 50%, 1 - T2 दिया हुआ है 200, T1 निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 1 - 200/T1, इसको अप्लाई इधर 200/T1, ये 0.5 हो जाएगा, पॉइंट चला जाएगा, पंचों के 20, 400 हो जाएगा केल्विन। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 था, ए हीट इंजन टेक्स, उतार सकते हैं आप, उतार लीजिए जिनको उतारना है फटाफट, या रोक के भी उतार सकते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि ए हीट इंजन टेक्स इन 750 जूल ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर एंड प्रोड्यूसेस 450 ऑफ वर्क इन इस साइकिल, व्हाट इज एफिशिएंसी, ये परसेंटेज में नहीं है तो डायरेक्ट WH कर दीजिए यहाँ पर, ये आपका टेक्स जो है कि, तो 450/750 ये हो गया, जीरो जीरो कट गया, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, 0.6, दैट इज आंसर। ये है चौथा ऑप्शन। फिर है द वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज 40 जूल, द वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज 40 जूल एंड 50 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, फाइंड द इंटरनल चेंज ऑफ द सिस्टम। तो देखिए डिफरेंस आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा, बस करना क्या है कि 50 में से 10 को घटा दीजिएगा, टेक्निकली इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, तो 10 जूल हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी में, वर्क डन प्रोसेस में जो इतना लॉस हुआ हो वो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज में चला जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 जूल। और 24 नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ थोड़ा अप्लाइड आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल तो टी कॉन्स्टेंट, तो डी टी जीरो, तो डी यू जीरो, तो डी क्यू बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये जाएगा पी डी भी, पहला ही ऑप्शन है ये। व्हाट इज द 25 नंबर, व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4 ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ आर, रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा इसमें क्या है, व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4 द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ आर, रेडियस ऑफ अर्थ आर। देखिए यहाँ पर हम लोग करके थोड़ा देख लें इसको, 25 जी डैस बराबर जी 1 + h/r, तो यहाँ कह रहा है जी बाई 4, जी 1 + h/r का होल स्क्वायर कट गया 1/2, ये हो जाएगा 1 + h/r हो जाएगा यहाँ से, और 1 + h/r ये हो गया 2 हो गया, h/r कितना हो गया 1 हो गया, h = r, तो जस्ट इससे बराबर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह हमने 25 सवाल आपको बताया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको देखिए लिखा हुआ एयरफोर्स ग्रुप एक्स प्रीवियस ईयर पेपर MBT 15 जुलाई 2021 शिफ्ट 3 का है,
जो कि हालांकि कैंसिल हो गया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान देना। उतार लीजिए, देखिए।